अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम टू टी के एस ऑनलाइन क्लास। आई एम मैम सिमरा फ्रॉम टी के एस सीनियर कैंपस। सब्जेक्ट इज साइंस। टूडेज गुड मैसेज इज डू गुड फॉर अदर्स, इट विल कम बैक इन अनएक्सपेक्टेड वेज। ओके, टेक आउट योर बुक्स। कल हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया था, ठीक है, हेरिडिटी इन ऑर्गेनिज्म। ओके, नाउ हु कैन टेल मी व्हाट इज हेरिडिटी? यस, फर्स्ट वालेकुम अस्सलाम। एवरीबॉडी टर्न ऑन योर वीडियो फर्स्ट। यस मिसबा, व्हाट इज हेरिडिटी? यस, वेरी गुड। ओके बच्चे, सब अपनी वीडियोस जो हैं ऑन कर लें। एवरीबॉडी टर्न ऑन योर वीडियो। ओके, टेक आउट योर साइंस बुक इन फ्रंट ऑफ यू, होल्ड योर पेंसिल इन योर हैंड। आज हम पढ़ेंगे हेरिडिटी, पेज नंबर 22, हेरिडिटी, ठीक है। होल्ड योर पेंसिल इन योर हैंड। हेरिडिटी कहते हैं द ट्रांसफर ऑफ करेक्टरिस्टिक फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड हेरिडिटी। अंडरलाइन करें इस लाइन को, ये डेफिनेशन है आपके पास हेरिडिटी की। द ट्रांसफर ऑफ करेक्टरिस्टिक फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड हेरिडिटी। क्रोमोसोम्स, डीएनए एंड जीन्स फ्रॉम द बेसिस ऑफ हेरिडिटी। आपके पास क्रोमोसोम, डीएनए और जीन्स क्या हैं? फॉर्म है किसकी? हेरिडिटी की। जीन्स कैरी द ट्रेट्स और करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग। दिस इज द रीज़न डैट सिबलिंग रिजेंबल्स वन अनदर एंड देयर पेरेंट्स। अब आपके पास ये जो क्रोमोसोम, डीएनए और जीन है, ये किसकी फॉर्म है? हेरिडिटी की। जीन की वजह से जो है, जीन में आपके पास ऐसे करेक्टरिस्टिक होते हैं जो आपको आपके सिबलिंग्स के साथ और आपके पेरेंट्स के साथ रिजेंबल करते हैं, ठीक है। प्लांट ग्रोन फ्रॉम सीड रिजेंबल देयर पेरेंट प्लांट। आई कलर, हेयर कलर, डिटैच और अटैच ईयर लोब्स, इंटेलिजेंस एंड हाइट आर एग्जांपल ऑफ हेरिडिटी करेक्टर्स। अब कहते हैं कि जो प्लांट है, जो यंग प्लांट होगा या जो बेबी प्लांट होगा, जो जिसे सीडलिंग कहते हैं या यंग प्लांट जिसे कहते हैं, वो अपने पेरेंट प्लांट से रिजेंबल करेगा क्योंकि उसके पेरेंट प्लांट के जीन्स जो हैं वो उसके अंदर इनहेरिटेड होंगे, ठीक है। हेरिडिटी के ज़रिए उसके पेरेंट्स के जो करेक्टरिस्टिक्स होंगे या जीन्स होंगे वो उसके अंदर, उसके ऑफस्प्रिंग के अंदर प्रेजेंट होंगे, जैसे आई कलर, हेयर कलर, डिटैच और अटैच ईयर लोब्स में आपके पास जो आई का नीचे वाला पोर्शन होता है वो किसी का अटैच्ड होता है विद योर फेस और किसी का अटैच नहीं होता, ठीक है। इसके अलावा आपके इंटेलिजेंस, आपकी हाइट, ये सब भी जो है आपको अपने पेरेंट्स से ही मिली हुई हैं और ये एग्जांपल है आपके पास किस चीज़ की? हेरिडिटी की, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपके पास पेज नंबर 22 पे इनहेरिटेबल एंड नॉन इनहेरिटेबल करेक्टरिस्टिक। अब ये क्या होते हैं? द करेक्टरिस्टिक विच कैन पास फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन आर इनहेरिटेबल करेक्टर्स। आपके पास वो करेक्टर्स जो पास होते हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, उसको कहते हैं इनहेरिटेबल करेक्टर्स। जैसे आई कलर हो गया, हाइट हो गई, अटैच एंड डी अटैच ईयर लोब्स हो गए और इंटेलिजेंस हो गई। वाइल दोज करेक्टरिस्टिक, अंडरलाइन करें, ये आपके पास डेफिनेशंस हैं। While those characteristics which are not transferred to next generation are non-inheritable characters. Example, if a body organ of a person is lost or weakened due to the disease, this character is not transferred to offspring. ठीक है, inheritable characters वो चीज़ होती है जो एक generation से दूसरी generation में जाए, उसको कहते हैं inheritable characters. आपको example दी हुई है eye color की, height की, ठीक है। नॉन इनहेरिटेबल करेक्टर्स वो होते हैं अगर फॉर एग्जांपल आपके कोई बॉडी ऑर्गन वीक हो गया है, डैमेज हो गया है, उसका ख़राब हो गया है,
किसी भी डिजीज़ की वजह से, तो वो नेक्स्ट जनरेशन में आपके ऑफस्प्रिंग में वो चीज़ नहीं आएगी, ठीक है। उसमें ये करेक्टर या ये बीमारी या ये डिजीज़ की वजह से जो आपका बॉडी ऑर्गन ख़राब हो गया वो उसमें नहीं आएगी। इनहेरिटेबल करेक्टर और नॉन इनहेरिटेबल करेक्टर का डिफरेंस क्लियर हो गया है सबको? इनहेरिटेड जो पेरेंट्स से आपको मिले, नॉन इनहेरिटेबल जो पेरेंट्स से आपको नहीं मिलता, ठीक है, जो चीज़ आप में नहीं आती वो नॉन इनहेरिटेबल करेक्टर्स होते हैं। समझ आ गई? नाउ ऑन पेज नंबर 23, एग्जांपल ऑफ इनहेरिटेबल करेक्टर्स इन ह्यूमन। आई कलर आपके पास बेस्ट एग्जांपल है इनहेरिटेबल करेक्टर्स की। द कलर ऑफ आई इन एन ऑर्गन इज कंट्रोल्ड बाय द पेयर ऑफ जीन्स। पेयर ऑफ जीन्स मतलब एक जीन्स जो है आपके फीमेल में से, मतलब आपकी मदर से आ रही है, दूसरी मेल में से आ रही है, तो वो आपके पास क्या बना रहे हैं? पेयर ऑफ जीन्स बना रहे हैं, ठीक है। द जीन कंट्रोल द प्रोडक्शन ऑफ ब्राउन पिगमेंट इन द आयरस ऑफ द आई। आयरस आपके पास पार्ट ऑफ द आई है, ठीक है, जो कलर पार्ट है आपके आई का। इफ द जीन्स वर्क एंड प्रोड्यूस मोर पिगमेंट द आईज आर ब्लैक। अब आपको बता रहे हैं कि ये आई कलर किस तरह से आता है। पहला आपको बताया है कि द जीन्स कंट्रोल द प्रोडक्शन ऑफ ब्राउन पिगमेंट इन द आयरस ऑफ द आई। इफ द जीन वर्क एंड प्रोड्यूस मोर पिगमेंट द आईज आर ब्लैक। Production of very less pigment result in light brown eyes. Blue, green and hazel eyes are developed due to the production of brown pigment in different amounts. आपकी आँख के अंदर अगर pigmentations की limitation के बारे में बता रहे हैं कि जितनी जितनी limitation होगी pigment की उतना different eye color आपके पास आता है। नीचे आपके पास attached और detached ear lobes के बारे में भी बताया हुआ है। यहाँ पर diagram में आप देखो, एक जो है बिल्कुल attached, एक बिल्कुल अटैच्ड है, देखें यहाँ पर आपके फेस के साथ, और एक डी अटैच ईयर लोब्स होते हैं, नीचे की तरफ होते हैं वो, ठीक है। अब आप देख लो अपनी बुक में, सम पीपल्स हैव ईयर लोब्स अटैच विद द साइड ऑफ द फेस वाइल अदर हैव फ्री ईयर लोब्स। ये देखें बिल्कुल अटैच्ड है फेस के साथ और ये बिल्कुल फ्री है, अटैच नहीं है। दिस हैपन ड्यू टू द जीन्स, ये जीन्स की वजह से होता है। वेन द जीन कैरीज द करेक्टरिस्टिक ऑफ डी अटैच ईयर लोब्स द पर्सन विल नॉट हैव ईयर लोब्स अटैच टू द साइड ऑफ द फेस। कैसे होता है ये? जीन्स जो कैरी होती हैं आपके पेरेंट्स से जो आपको मिलती हैं, ठीक है, अगर वो द पर्सन विल नॉट हैव ईयर लोब्स अटैच टू द साइड ऑफ द फेस। सम पीपल्स हु हैव सप्रेसिव जीन्स फॉर दिस ट्रेट देयर ईयर लोब्स आर अटैच विद द साइड ऑफ द फेस। जिनके पास सप्रेसिव जीन्स होती हैं उनके ईयर लोब्स जो होते हैं वो अटैच होते हैं, और जिनके पास जीन्स जो होते हैं डी अटैच ईयर लोब्स जिनके पास होते हैं उनके पास फ्री जीन्स होती हैं, ठीक है, समझ आ गई। ये आपके पास आई कलर और डी अटैच और अटैच ईयर लोब्स एग्जांपल हैं इनहेरिटेबल करेक्टर्स की। आपका यहाँ पर चैप्टर ख़त्म होता है, आप अपने एक्सरसाइज की तरफ आओ, पेज नंबर 25। सब अपने एक्सरसाइज की तरफ आएँ, पेज नंबर 25। वीडियोस ऑन करें आप सब। एमन और मुनज़्ज़ा आपकी वीडियो ऑन नहीं है, आप अपने एक्सरसाइज वर्क की तरफ आओ, पेज नंबर 25। यहाँ पर आपको दिए हुए हैं चूज द करेक्ट आंसर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला है लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव अ सेट ऑफ करेक्टरिस्टिक विच आर ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट्स। द करेक्ट ऑप्शन इज पेरेंट्स। करेक्ट ऑप्शन है आपके पास पेरेंट। नेक्स्ट है डिवीजन ऑफ सेल इनटू टू डॉटर सेल इज कॉल्ड ग्रोथ, सेल डिवीजन, सेल इनहेरिटेंस, सेल डेथ। तो आपके पास आता है सेल डिवीजन। सेल डिवीजन। नेक्स्ट है आपके पास क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ डीएनए प्रोटीन्स। ठीक है, जिसने डन किया हुआ है उसका भी ठीक है, जिसने नहीं डन किया हुआ आप भी डन करो। थर्ड में आपके पास आता है डीएनए एंड प्रोटीन। डीएनए बच्चे नहीं नहीं मुनज़्ज़ा आप क्या कर रहे हो? आपके पास सी वाला ऑप्शन है डीएनए एंड प्रोटीन।
ट्रांसफर ऑफ ट्रेड्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड हेरिडिटी. ऑप्शन ए हेरिडिटी. उनको नजर नहीं आएगा फिर. उसके बाद है आई कलर इन ह्यूमन बींग इज कंट्रोल्ड बाय ऑप्शन ए जीन्स. ऑप्शन ए जीन्स. नजर आ रहा है सबको? ऑप्शन ए जीन्स. अब आ जाए मैच द कॉलम. पहला है आपके पास डीएनए. डीएनए को आप मैच करें जीन के साथ. विथ द हेल्प ऑफ स्केल डीएनए को मैच करें जीन के साथ. सेकेंड है आपके पास ईयर फ्री ईयर लोब्स. उसको आप मैच करो हेरिटेबल कैरेक्टर्स. फ्री ईयर लोब्स को आप मैच करो हेरिटेबल कैरेक्टर्स के साथ. थर्ड है आपके पास माइटोसिस. माइटोसिस को आप अटैच करो टू आइडेंटिकल डॉटर सेल. माइटोसिस को आप मैच करो टू आइडेंटिकल डॉटर सेल. नेक्स्ट है क्रोमोसोम इन ह्यूमंस. इसको आप मैच करें 23 पेयर्स. टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम आपकी बॉडी के अंदर 23 पेयर्स होते हैं. क्रोमोसोम इन ह्यूमंस 23 पेयर्स. एडेनिन को मैच कर लें थायमिन के साथ. एडेनिन को मैच कर लें थायमिन के साथ. इज दैट क्लियर? नजर आ रहा है सबको? अच्छा, आप लोग इसको दोबारा से चेक कर लें. इसके साथ मैं आपको आज चैप्टर नंबर 2 जो है उसका रिटर्न वर्क भी सेंड कर दूंगी. जिसने बच्चे चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट नहीं किया हुआ, चैप्टर नंबर 1 रिटर्न वर्क सब कंप्लीट कर लें, क्योंकि आज आप चैप्टर नंबर 2 का रिटर्न वर्क स्टार्ट करोगे. सब मैं होमवर्क दूंगी आप सबको. ग्रुप पे मैं पिक्चर सेंड करूंगी और शाम को जिस टाइम भी मैं आपसे वो काम की अगर पिक्चर्स मांगूंगी तो सब ने मुझे सेंड करनी है. सब का मतलब सब ने. ठीक है? हो गया? और बच्चे आप लोग बिल्कुल नीट काम नहीं कर रहे हैं. कोशिश करें कि नीट काम करें सब, क्योंकि ये आपका नीट क्लास वर्क है और आप नीट कॉपीज पे कर रहे हो. ठीक है? इसको मजाक ना लें. आप सब जो है बहुत गंदा अनटाइडी वर्क जो है, आप पता नहीं पाँव से लिख रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, बहुत रफ नोट कर रहे हैं. आप लोग जो है पिक्चर्स भेजते हो तो बच्चे वो सीरियसली देखने को भी दिल नहीं करता. इसलिए नीट काम करें. ये कर लिया सब ने? समझ आ गई इसकी? चैप्टर नंबर 2 की आप सबको समझ आई है? जिसको समझ नहीं आई मुझसे अब भी क्वेश्चन कर लें, क्योंकि कल मैंने आपसे सबसे समरी सुननी है चैप्टर नंबर 2 की. अगर अब भी कुछ समझ नहीं आया तो आप मुझसे पूछ लें. कल मैंने सबसे जो है क्वेश्चनिंग करनी है. ये आपका चैप्टर नंबर 2 का एक्सरसाइज वर्क है. ठीक है? ये आपने बुक पे ही करना है. मैच द कॉलम आपने पेंसिल से ही करने हैं जिस तरह मैंने किए हुए. और ऊपर जो आपने चूज द करेक्ट ऑप्शन है ये इंक पेन से करना है. सब ने इंक पेन से. ठीक है? मैं ग्रुप में आपको पिक्चर इसकी दोबारा से सेंड कर दूंगी इस पेज की. इसके अलावा आपको जो होमवर्क मैंने आज देना है वो भी पिक्चर मैं आपको सेंड कर दूंगी. और नीट एंड क्लीन जितना काम मैं सेंड करूंगी सब ने उतना ही करना है. इज दैट क्लियर? और सीरियस लें बच्चे इसको, मजाक नहीं है.
हेरिडिटी दोबारा समझाऊं, ये हो गया बच्चे, ये सबने कर लिया। ओके, मुनस्सा हेरिडिटी में ये है कि जो आपके पेरेंट्स से जो करेक्टरिस्टिक ऑफस्प्रिंग में आते हैं उसको हेरिडिटी कहते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका आई कलर, आपकी हाइट, आपका फेस स्ट्रक्चर, आपका बॉडी स्ट्रक्चर जो अगर पेरेंट्स से रिजेंबल कर रहा है तो ये सिर्फ और सिर्फ हेरिडिटी की वजह से कर रहा है, ठीक है। हेरिडिटी की वजह से आप अपने पेरेंट्स से जो है रिजेंबल करते हो, क्योंकि आपके पेरेंट्स की जो करेक्टरिस्टिक हैं वो आप में ट्रांसफ़र हो जाते हैं, ठीक है। द ट्रांसफ़र ऑफ करेक्टरिस्टिक फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड हेरिडिटी। क्रोमोसोम, डीएनए और जीन हेरिडिटी की टाइप्स हैं या उसकी फॉर्म्स आप कह सकते हो, ठीक है, समझ आ रही है। इसके अलावा कहते हैं जीन्स जो हैं आपकी बॉडी के अंदर, जो जीन्स आपके पेरेंट्स से आपको मिली हुई हैं उनमें ये करेक्टरिस्टिक प्रेजेंट होते हैं जो कि आपके अंदर आ जाते हैं, जैसे आई कलर हो गया, हाइट हो गई, इंटेलिजेंस हो गया, ठीक है। जो जो करेक्टरिस्टिक आपके आपके पेरेंट्स से मिलते हैं या जो जो चीज़ें आपके आपके पेरेंट्स से रिजेंबल करते हैं वो जो हैं हेरिडिटी की वजह से आपके बॉडी में जीन्स के ज़रिए जो है शामिल हो जाती हैं, ठीक है। फिर मैंने आपको इनहेरिटेबल और नॉन इनहेरिटेबल करेक्टर्स बताए हैं। इनहेरिटेबल करेक्टर्स वो करेक्टरिस्टिक होते हैं जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होते हैं, मतलब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में आ रहे हैं। नॉन इनहेरिटेबल करेक्टर्स वो करेक्टरिस्टिक होते हैं जो कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में नहीं जाते, जैसे कि उनका कोई बॉडी ऑर्गन है वो ख़राब हो गया या कमज़ोर हो गया, तो वो आगे उस चीज़ की जो है ट्रांसफरिंग नहीं होगी उस चीज़ की बच्चे के अंदर, ऑफस्प्रिंग के अंदर, ठीक है, समझ आ गई। तो ये आपके पास इनहेरिटेबल नॉन इनहेरिटेबल करेक्टरिस्टिक्स थे और ऊपर हेरिडिटी था, ठीक है। हेरिडिटी इतना मुश्किल नहीं है, हेरिडिटी भी वही चीज़ है कि वो करेक्टरिस्टिक जो पेरेंट्स से आपको मिलते हैं, जैसे आपका फेस कलर हो गया, आपका फेस का स्ट्रक्चर हो गया, आपके जो नक्श वगैरह हो गए, आई कलर, हेयर कलर, ये सब जो आपको आपके पेरेंट्स से जो चीज़ें मिली हुई जो रिजेंबल करती हैं आपको अपने पेरेंट्स से, वो हेरिडिटी के ज़रिए आपकी बॉडी के अंदर इंटर होती हैं, ठीक है। जीन्स के ज़रिए आपकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती हैं, समझ आ गई। दिस इज़ ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर। कल मैं आप लोगों से इसकी समरी सुनूंगी और फिर हम नेक्स्ट चैप्टर जो है स्टार्ट करेंगे उसकी एक्सप्लेनेशन, ठीक है। दिस इज़ ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।